गुड इवनिंग एवरीवन। सो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि जस्ट जस्ट 22 डेज़ के बाद हमारे एग्ज़ाम्स हैं। और आप ये समझ लीजिए, जितना आपने पहले नहीं पढ़ा है ना, आप उतना इस 22 डेज़ में पढ़ सकते हो सच्ची में। क्योंकि पहले जब हम पढ़ते तो बहुत सारे मन में डिस्ट्रैक्शंस होते हैं और हमारा मन भी नहीं लगता। तो आप ये मत समझिए कि इस 22 डेज़ में क्या होगा हमारे साथ, हम पढ़ पाएंगे नहीं पढ़ पाएंगे। आप ये सोचिए कि जितना आपने लास्ट 2 मंथ्स पे नहीं पढ़ा है ना, उतना आप इस 22 डेज़ में पढ़ सकते हो। क्योंकि आपने एक चीज़ तो फील किया होगा कि पहले जब हम पढ़ाई करते थे तो एक डिस्ट्रेक्शंस रहता था, पढ़ाई पर मन नहीं लग रहा, आप ऐसा कहते थे कि यार पढ़ाई पर मन नहीं लग रहा है, क्या करें। पर अभी ऐसा अभी किसी के साथ नहीं हो रहा कि वो ये कह रहा है कि मेरा पढ़ाई पर मन नहीं लग रहा है। पढ़ाई पे मन तो सभी का लग रहा है अभी, ये तो फैक्ट है। आपका मन पूरा पूरा लग रहा है, आपको बस ये लग रहा है कि थोड़ा सा और टाइम मिल जाता, थोड़ा सा और टाइम मिल जाता तो हम और पढ़ लेते और सारा कोर्स ही ख़त्म कर देते। तो इसलिए आप अभी ये सब सोचिए मत, और आप एक्सटेंशन के बारे में भी मत सोचिए। देखिए पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, पर जब तक कुछ ऐसे कहता नहीं, आप इसके बारे में सोचोगे क्या फ़ायदा, क्योंकि वो तो कुछ होने से रहा। लास्ट में ऐसा ना हो जाए आपने एक्सटेंशन के चक्कर में, डेट इज़ पोस्टपोनमेंट के चक्कर में आपने पढ़ाई भी नहीं किया और लास्ट में एग्ज़ाम्स भी हो गए, तो दोनों तरफ से बर्बाद हो जाओगे। तो बेटर है ना आप पढ़ाई कीजिए, और जितना आप पहले 2 दिन में पढ़ते थे ना, उतना आप 1 दिन में पढ़ने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए आप, और कुछ कीजिए मत। ज़्यादा से ज़्यादा 15 आवर्स 16 आवर्स जितना आपके लिए बन पाता है उतना पढ़ाई कीजिए, क्योंकि मन तो भी पूरा लगेगा ये तो श्योर है। और 15 x 15 आवर्स भी अगर हम पकड़े 1 दिन में, तो आप समझिए आपके पास मोर देन 300 आवर्स तो आपके पास अभी भी है। तो ये 300 आवर्स आप अच्छी तरीके से कैपिटलाइज़ कीजिए। जो जो आपका पढ़ा हुआ है आप उसी को रिपीट कीजिए। 2-3 चैप्टर छूट जाने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बाकी सारे टॉपिक्स को आप अच्छी तरीके से कवर कीजिए, जो आपको लगता है कि आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो सारे टॉपिक्स को पहले ख़त्म कर लीजिए। और कुछ कुछ छूटे तो छूटने दीजिए, ज़्यादा पीछे मत भागिए। आपको ऐसा नहीं कि आपको 100% कवरेज करना है, यानी आप अपना बेस्ट दीजिए और दिमाग से डर निकाल दीजिए। क्योंकि अगर आप डरोगे ना तो पता है क्या होगा, उस डर के चक्कर में आप अपना 300 आवर्स में से एटलीस्ट 50 आवर्स तो ख़राब कर दोगे। डर के चक्कर में इधर उधर फ़ोन घुमाओगे, ऐसे का सेट खोलोगे, यूट्यूब खोलोगे, टेलीग्राम खोलोगे, देखोगे कि कहीं एग्ज़ाम्स पोस्टपोन तो नहीं हो गया, तो ये सब दिमाग में चलेगा फिर। तो इसलिए ये सारे चीज़ों को दिमाग से निकालने के लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि आप क्या करोगे, सिर्फ पढ़ाई करोगे, दिमाग से डर निकाल दोगे आप। इधर उधर कुछ मत देखो, जब कुछ होना होगा पता चल जाएगा, पर अभी तो मैं कन्फर्म हूँ, मैं तो 99% श्योर हूँ, ये ICAI मानने वाला नहीं आपका एग्ज़ाम्स ले गई 5 जुलाई को, ये मानने वाला नहीं, लग तो नहीं रहा मुझे। तो इसलिए आपके साथ कहीं धोखा ना हो जाए, मुझे इस चीज़ का डर है कि आपको लगेगा पोस्टपोन होगा, अभी भी उम्मीद जगा के बैठे हो एंड लास्ट में एग्ज़ाम्स भी पोस्टपोन नहीं होगा और आपके एग्ज़ाम्स कहीं ख़राब ना हो जाए। तो इसलिए आप अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए, अपना बेस्ट एफर्ट दीजिए, और ये 22 डेज़ को आप समझिए 2 मंथ्स कैसे बनाएं। यानी जितना आप 2 मंथ्स में पढ़ाई करते हो ना, उतना आप ये 22 डेज़ में पढ़ाई करोगे, डेफिनेटली पक्का आपका रिजल्ट आराम से निकल जाएगा। सो वंस अगेन आपको मैं बहुत बहुत विशेष मेरी तरफ से, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप अच्छा ही पढ़ाई करोगे और डेफिनेटली आप CA बन के रहोगे।